मैम, असेसमेंट यस है। मैम। चेक। महा सॉरी, रामायण में कितने चैप्टर मैम 3। हैं? कौन कौन से? चलिए हमारा टाइम शुरू हुआ। हम लोग जोनर हैंड्स क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट। ओंकार। सही रहे। चलिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जो आज हमने वो भेजा है आप लोगों लिए, ये इनविटेशन है ना, मैम उसमें सात आठ और नौ चैप्टर हैं। क्या हुआ? यस मैम, बालराम कथा में 7, 8 और 9 चैप्टर आएंगे। यस ओके ओके ओके, ठीक है, आप मैम। तैयार करिएगा। गूगल फॉर्म से ही पूछेंगे 7, 8, 9 चैप्टर, है ना। सॉरी, गूगल फॉर्म से नहीं पूछना है मुझे, शायद से वर्ग पहेली से पूछेंगे हम लोग इसको। उसी समय आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर प्रेजेंट की जाएगी वर्ग पहेली, उसमें मैम वर्ण तैयार करना पहेली क्या होता है? जो क्रॉसवर्ड ओके मैम। वाला, वहां से आपको पूछे जाएंगे। तुरंत ही आपको लिखना भी है और तुरंत आपको हमें सेंड भी करना है अपने मैम, ना। मैंने और अतिशय ने क्रॉसवर्ड एक बनाया है। यस वो उसमें बनाया होगा ना। मैम, हमारी टीम के हाँ, आपकी लिए। तैयारी फिर आप कैसी चल रही है उसमें? मैम अच्छी चल रही है। चेंज कर रहे हो? यस मैम, मैं इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ। देवांश, आप भी कुछ कर रहे हो, चेंजेस ला रहे हो? यस मैम। मैम आपने ओके जैसे कहा था कि मैप पे उनको लोकेट करके बता सकते कि वो कहाँ पर है, मैंने वो भी कर दिया उसमें। ओके, है ना। चलो, तो हमारा पाठ है अगला, लोकगीत, ना। हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने असेसमेंट में जो होगा ना, उसमें आपने कार्य पत्र लिखा है मैम, ये क्या है? ये वर्कशीट, ओके मैम। ये तो वर्कशीट आपको देंगे हम, उसकी किसकी? रामायण की। एक कार्यपत्र है, एक व्याकरण का गूगल फॉर्म है, और एक क्या है, एक क्या है, थर्ड क्या है, वस्तुनिष्ठ। वास्तु कुछ तो गूगल फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और तीसरा वर्ग पहेली और कार्य पत्र है बस मैम। वही, अच्छा, हर प्रकार, मैम ठीक कार्य पत्र है, वर्ग है। पहेली लिखा वर्ग हुआ पहेली है, वस्तु का वही क्रॉसवर्ड वाला। अच्छा, कार्य प्रपत्र अलग दे दिया मैंने ना, ठीक है। वर्कशीट आएगी आपके पास एक, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। कार्य मैम। प्रपत्र वर्कशीट कब आएगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, तैयारी तो करिए। मैम संस्कृत में भी लेख वो वर्कशीट होगी संस्कृत में नहीं है वर्कशीट, तो मैम लेखन कौशल में क्या होगा? लेखन कौशल में मैंने हम लोग, एक सेकंड में बताती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। लेखन कौशल में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में लिखा है लेखन कौशल में। लेखन कौशल दिया है मैंने, अपठित गद्यांश वाला, अपठित गद्यांश। मैं आपने लेखन कौशल ही दिया है। ये हिंदी संस्कृत का पूछ रहे हैं ना, वाचन यस कौशल होगा मैम। एक आपका वाचन कौशल होगा, उसमें आपका मुंह परिचय आ गया है। ग्रामर होगी, उसमें आपके गूगल फॉर्म आ जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
और अपरिचित अध्यांश जो है वो लेखन कौशल में आ जाएगा, ओके मैम, ठीक है ना? क्लियर हो गया? बाल रक्त कथा में यस मैम, 7, 8 और 9 चैप्टर है। चलिए ओके मैम। मैम वास्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस वाला। चलिए ठीक है मैम, चैप्टर शुरू करती हूँ। चलिए पहले सुनिए यहाँ पर इस पाठ को। लोकगीत सुनाई दे रहा है आप लोगों को? भगवत शरण उपाध्याय। यस मैम। ओके। लोकगीत पाठ के माध्यम से लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ने हमारे देश के लोकगीतों के महत्व, विशेषता, उनके स्थान और उनके प्रकार के विषय में बताने का प्रयास किया है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग है। ये आम जनता का संगीत है जो बिना किसी साधना के त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनकी रचना ग्रामीण जनों ने ही की है। ये गीत साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। कुछ समय पहले तक लोकगीत शास्त्रीय संगीत के सामने हेय समझे जाते थे और इनकी उपेक्षा भी की जाती थी। परंतु साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन आने के बाद से लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर लोगों का ध्यान गया। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनमें सबसे मुख्य आदिवासियों का संगीत है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके द्वारा गाए गए गीत पहाड़ी कहलाते हैं। वास्तविक लोक गीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भती आदि बंगाल के लोकगीत हैं, तो माहिया पंजाब का, हील रांझा सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीतों का विषय रोजमर्रा के जीवन का होता है, इसलिए वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। ग्रामीण बोलियों में गाए जाने वाले ये गीत बड़े आनंददायक होते हैं। आसानी से समझ में आने वाली भाषा और आकर्षक राग इनकी लोकप्रियता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशियां प्रचलित है। इन गीतों में अधिकतर परदेशी प्रेमी और रसिका प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है। जंगल की जातियों की भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले अल्लाह के गाने बड़े लोकप्रिय हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राज कवि जगनीक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर बाद में अन्य देहाती कवियों ने भी इसे अपने गीतों में उतार लिया। हमारे देश में अनंत संख्या स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की है। वैसे मर्द गाने वालों की भी कमी नहीं है,
पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं, जो स्त्रियां गाती हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। स्त्रियां अपने गीत दल बांध कर गाती हैं और होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने विद्यापति हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। अब ये सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। लोक गीत गांव के उद्दाम जीवन के प्रतीक है। चलिए ये देखा है, अब इसका मैं हैंडआउट निकालती हूँ, फिर बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। ये लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। लोकगीत पाठ के माध्यम से लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ने हमारे देश के लोकगीतों के महत्व, विशेषता और उनके स्थान तथा उनके प्रकार के विषय में बताने का प्रयास किया। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग है। शास्त्रीय संगीत जो है, क्लासिकल म्यूजिक जो है, वो क्या है, उनमें नियम होते हैं, उनके छंदों में, उनमें पूरे नियम के अनुसार ही वो गाए जाते हैं, एक साधना होती है उनके अंदर तो। लेकिन इसमें क्या है, लोच मतलब लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई जैसा चाहे वैसा गा सकता है। जितना भी स्वर 10 लोग गा रहे हैं, किसी का स्वर कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है, इसमें कोई भी इस तरीके। ताजगी और लोकप्रियता, मैंने छोटे छोटे स्थानों पर जहां पर ये गीत गाए जाते हैं, जब भी गाए जाते हैं उनमें एक नयापन होता है, लोग बड़े उत्साह से गाते हैं, और ये बहुत ही लोकप्रिय है लोगों के बीच। ये आम जनता का संगीत है, आम जनता के द्वारा बनाया गया ये संगीत है, जो बिना किसी साधना के त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा, कुछ त्योहार होते हैं या कुछ उत्सव होता है तो महिला पुरुष इन गीतों को गाते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन हुआ तो झूले पर बैठकर महिलाएं इन गीतों को गा रही हैं, या फिर उनके घर में कुछ उत्सव है तो घर में बैठ के ढोलक पर भी महिलाएं गाती हैं, पुरुष भी कभी। हाँ मैम, आपने कार पत्रक जो आपने एक टूल लिया है हिंदी के टेस्ट में, मैम वो आपने नहीं समझाया। कौन सा टूल लिया है हिंदी का? मैम कार पत्रक। कार पत्रक में बोल तो रहे हैं कि आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। ओके मैम, वर्कशीट मिलेगी आपको। ये आप क्या बोल रहे हैं, अभी तक आप कहाँ थी? Yes, ma'am. अभी तक आप कार्य पत्र में, मुझे मालूम है, मुझे याद आ गए हैं कि कैसे आपको एक कार्य वो दिया जाएगा, एक वर्कशीट दी जाएगी, उसमें से आपको कुछ आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो
आम जनता का संगीत है जो बिना किसी साधना और उसको रियाज करने की, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है और ये विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनकी रचना ग्रामीण जनों के ने ही की है, मतलब कोई बड़े बड़े रचनाकार नहीं हुए, किसी बहुत बड़े लोगों ने इन गीतों को नहीं लिखा है, आम जनता के द्वारा ही ये गीत लिखे गए हैं। ये गीत साधारण ढोलक, झांझ, करतान, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं, मतलब इसमें भी वाद्य यंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है। उस समय पहले तक लोग गीत शास्त्रीय संगीत के सामने ये समझे जाते थे, मतलब छोटे तुच्छ समझे जाते थे कि क्या शास्त्रीय संगीत है और कहाँ ये गीत है। लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत सारे फॉक सॉन्ग जो है आप देखते हैं वो बजाए जाते हैं, लोग सुनते हैं और लोग उससे आनंदित भी होते हैं, उनकी भी आज वैल्यू बढ़ गई है। परंतु साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन आने के बाद पहले साहित्य और कला जो था नियमों में बंधा हुआ था, लेकिन आज क्षेत्रीय भाषा और बोलियों के गीत साहित्य सब लिया जाता है, तो इससे परिवर्तन जो आया उससे लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर लोगों का ध्यान गया कि लोक साहित्य माने लोगों के द्वारा लिखे गए, जैसे आपने ये पढ़ी थी कहानी अप्पू वाले टिकट एल्बम, ये भी एक लोक साहित्य है जो दूसरी भाषा का उसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो इस तरीके से लोगों के ध्यान आकर्षित हुआ। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, इनमें से सबसे मुख्य आदिवासियों का संगीत है। मैंने आपने देखा होगा, आप लोग बता सकते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा है, कोई बता सकता है मध्य प्रदेश की? मैम क्या लोकगीत मध्य प्रदेश का लोकगीत? मैम नहीं मालूम। हाँ मैम नहीं मालूम। मैम इंडिया का, लेकिन मैम जो लोग नृत्य मैम राई डांस है, राई नृत्य। यहाँ एक राई नृत्य भी होता है, लोग नृत्य में एक राई नृत्य भी यहाँ पर फेमस है एमपी का। लेकिन एमपी में मध्य प्रदेश में जो आप किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिए। यहाँ पर जो किसका माइक ऑन है मैम, गौरी का था मैम, उसने बंद कर लिया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आदिवासी जो लोग हैं उनके जो गीत हैं, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है आदिवासियों का संगीत, इन गीत और नाच अधिकतर साथ साथ बड़े बड़े दल दल माने ग्रुप, जैसे ग्रुप सॉन्ग होते हैं ना, ग्रुप सॉन्ग ज्यादातर लोकगीत ना यहाँ पर वही होता है। लोकगीत जो होते हैं वो कौन मतलब ग्रुप में ही गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस लोक गायिका थी, कुछ नाम याद है? कुछ नाम याद आ रहा है? आपने तीजन भाई का नाम सुना था? सुना है आपने तीजन भाई का नाम? नो मैम। अभी आगे मैं अभी थोड़ा थोड़ा हिंट करती जा रही हूँ, आगे आप लोग इस पर काम करेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पर पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके द्वारा गाए गए गीत पहाड़ी कहलाते हैं, माने जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए लोग हैं उनका अलग अलग गीत है, परंतु क्योंकि एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वो पहाड़ी गीत कहलाते हैं। वास्तविक लोक गीत देश के गांवों और देहातों में है जिनका संबंध देहात की जनता से है, जैसे चैता, कजरी, बारामासा, सावन, ये इस तरीके के जो गीत हैं वो मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी इलाकों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, तो माहिया पंजाब का, पंजाब में हीर और रांझा सोनी महिवाल संबंधी गीत
पंजाबी में ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। आप बता सकते हैं कि जैसे पंजाबी में और कौन से गीत होते हैं? आपने देखा होगा लोहड़ी होती है इनके यहाँ पर, है ना, और इनके यहाँ पर वैशाखी मनाई जाती है, उस समय ये लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। राजस्थान में ज्यादातर ढोला मारू करके इनका गीत फेमस है। गीत सबसे बड़ी विशेषता इन गीतों की क्या है? ये गीत हमारी रोजमर्रा के जीवन पर होता है, माने हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसको ही हम गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ये सीधे मर्म को छू लेते हैं, माने हमारे अंतर मन को, हृदय को स्पर्श करते हैं। ग्रामीण बोलियों में गाए जाने वाले ये गीत बड़े आनंददायक होते हैं, आसानी से समझ में आने वाली भाषा, आकर्षक राग इन की लोकप्रियता का कारण है। माने गांव के लोगों को इसकी भाषा, जिन जिन क्षेत्रों के जो लोकगीत होते हैं वो अपने क्षेत्र के लोकगीतों की भाषा को आसानी से समझ लेते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशियां प्रचलित हैं। इन गीतों में अधिकतर परदेशी प्रेमी और रसिका प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है इन गीतों के माध्यम से। जंगल की जातियों के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा में गाए जाते हैं, माने किसी के बिछड़ जाने पर, किसी अपने अपनों के दूर हो जाने पर वो गीत गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले अल्हा, उसमें अल्हा बोल रहे थे ना, अल्हा, अल्हा के गाने बड़े लोकप्रिय हैं। एक अल्हा खंड है, इसमें बताया जाता है कि अल्हा और उदल दो भाई थे, उनके वीरता के गीत गाए जाते हैं, उनके वीरता के गीत गाए जाते हैं। आपने देखो बहुत अच्छी एक बात सुनी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठ में, मुंडेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। किसका माइक ऑन हो गया बस? मैम आरुष का हो गया था, वो बंद कर ली। तो वहां पर जो एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो अपनी कविता पढ़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई, तो आप देखते हैं बार बार ही कहते कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वहां बुंदेलखंड के जो हर बोले लोक गायक थे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के गीत गाते थे, लोकगीत, उनकी वीरता को लोकगीतों में गाया जाता था। वहीं से सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है हमारी कवियत्री, उन्होंने उस गीत को गीतों के माध्यम से ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को जाना और उसका वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया। वैसे ही अल्हा उदल, ये अल्हा खंड करके खंड काव्य है कभी जगनिक का, तो हाँ बोलिए साई राम बोलिए। तो वहां पर क्या किया जाता था, अल्हा उदल दो भाई थे और आज भी उनके वहां पर प्रसिद्ध है वो बुंदेलखंड में, उनके वीरता के गीत गाए जाते, उनके उनके बारे में कहा जाता था कि वो रोज माँ भवानी को अपना सिर चढ़ाया करते थे। तो इस तरीके से और उसी के कारण से बहुत सारे युद्धों पर उन्होंने युद्ध किया, उस युद्ध में उनकी वीरता के गान किए गाए गए हैं। इसके बारे में भी आप लोग से ही निकलवाएंगे, आप लोग ही ढूंढेंगे और उसमें किस क्या क्या उनकी वीरता की कहानी है, उनकी मुख्य कहानी कौन सी है, आप लोग मेंटली प्रिपेयर होते जाइए ना। इसके बाद कवि जगनिक जो चंदेल राजाओं के महाकवि माने जाते हैं, और बाद में अन्य देहाती कवियों ने भी अपने गीतों में उतार लिया था, और भी जो थे उन लोगों ने भी अल्हा खंड को अपने गीतों के माध्यम से गाया है। हमारे देश में अनंत संख्याओं में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। महिलाएं अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग गीत गाती हैं। वैसे मर्द गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से होता है। जैसे त्योहार पर नदियों में नहाते समय के गीत, नहाने जा रहे उस समय रास्ते के गीत, विवाह के गीत, मटकोण शब्द क्या है मुझे आज तक नहीं पढ़ा, ये क्या है, ज्योनार, मतलब ज्योनार का मतलब होता है जब खाना लोग खाते हैं उस समय की
संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गालियों के जन्म के समय आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उन गीतों का हवाला दिया है, जैसे सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में कुछ हैं। स्त्रियां अपने गीत दल बांधकर गाती, माने ग्रुप में गाती हैं, जैसे होली, बरसात की कजरी आदि उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब में माने ईस्ट में बोलियों में अधिकतर मैथिल और कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। वहां पर मैथिल और कोकिल वहां के रचनाकार हैं। वहां पूरब की बोलियों में जो गीतों के रचनाकार ज्यादातर कौन से हैं, मैथिल और कोकिल, विद्यापति माने रचनाकार, उनके गीत गाए जाते हैं। पर अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने विद्यापति हैं, माने अलग अलग बोलियों में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग उनके रचनाकार हुए हैं। गुजरात का एक प्रमुख एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है, जिससे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, जिसमें नाच गान साथ चलते हैं। अब यह सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। पहले गुजरात तक ही तो ये सीमित था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब नवरात्र आते हैं या फिर कुछ विशेष प्रोग्राम होता है तो हम लोग गरबा का आनंद उठाते हैं और वो गीत भी सुनते हैं। गुजराती जो लोकगीत है उनको सुनते हैं, नृत्य करते हैं, है ना। इसी प्रकार होली के अवसर में ब्रज में रसिया चलता है, मतलब ब्रज में रसिया चलता है, मतलब होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनका नाम है रसिया। गांव के गीतों में वास्तव में अनंत गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है, माने कोई भी इनकी गिनती नहीं है। लोक गीत गांव के उद्दाम जीवन के प्रतीक है, माने उद्दाम जीवन माने बहते हुए जीवन, यानी कि एक लय, एक मतलब गीत जीवित जीवन का प्रतीक है, माने उनमें जीवन दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? लोच, ताजगी और एक क्या था, लोकप्रियता। किस गीत में परदेशी प्रेमी और रसिका प्रेमी की बात होती है, बताइए? मैम भोजपुरी वाले गानों में। भोजपुरी उसको क्या कहते हैं? परदेश नहीं, नहीं कुछ विदेश था अभी, चलो मुझे भी एकदम से स्लिप हुआ। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती है, गाई जाती है। 100 सालों का समूह क्या कहलाता है? 100 ईयर्स का समय क्या बोलता है, उसे हम बोलते हैं शताब्दी। शताब्दी, गुड। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है? देखिए आंसर, ये देखिए, लोच या सोच लिख दिया, लोच, ताजगी और लोकप्रियता में भिन्न है। विदेशिया याद आ गया, विदेशिया गीत होता है, लोकगीतों की भाषा आम बोलचाल की, आम जन की भाषा है। शताब्दी, भरतनाट्यम नृत्य शैली की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। यह भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये क्लासिकल है, ये लोक नृत्य नहीं है, भरतनाट्यम को लोक नृत्य नहीं कह सकते। ओके, क्लासिकल डांस है। चलिए नेक्स्ट, निबंध से। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा हुई है? बिंदुओं के रूप में लिखो, इसमें तो आंसर सीधा सीधा दे रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों के जिन विभिन्न पक्षों की चर्चा की गई है वे निम्नलिखित बिंदु हैं, जैसे इनमें लोकप्रियता, लोकगीतों का इतिहास है, लोकगीतों की रचनात्मकता है, जनमानस में लोकगीतों की लोकप्रियता है, स्त्रियों के लोकगीतों का योगदान है। इसके अतिरिक्त लोकगीत विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र, भाषा, नृत्य, गीत, संगीत आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई है।
हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत निम्नलिखित हैं: शादी विवाह के गीत, त्योहारों पर नहाने के लिए जाते हुए राह के गीत, त्योहारों पर नहाते हुए नहाते समय के गीत, विवाह के गीत, मटकोण के गीत, जोनार माने भोजन आदि के समय संबंधियों से प्रेम युक्त गालियों के गीत, बच्चों के जन्म पर मंगल गीत, शोक आदि अवसर पर गाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गीत स्त्रियों के द्वारा खास रूप से गाए जाते हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिलते हैं तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषता बता सकते हो? यहाँ पर लोकगीतों की विशेषता क्या है? लोकगीत हमारे जीवन, हमारे ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराते हैं, वहां की संस्कृति और वहां की परंपराओं से परिचित कराते हैं। लोकगीत ग्राम में सुलभ और सरल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जैसे छांच, मजीरे, ढोलक, तासे, बांसुरी, डपली, मटकी, खड़की, घंटा, घंटी, थाली, चम्मच आदि। इन गीतों को गाते समय किसी पूर्व तैयारी के बिना एक साथ मिलकर गाया जा सकता है। इन वाद्य यंत्रों की धुन अथवा संगीत के ज्ञान के बजाय लोग सहयोग और जोश का महत्व दिया जाता है, माने एक उत्साह दिखाई देता है। ढोलक, मजीरे, इन सबका कोई महत्व नहीं था, लोग कितने उत्साह से, प्रसन्नता से उस गीत को गा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ को पढ़कर मालूम करो इस वाक्य। हाँ मैम, आपने वो वर्ग पहेली नहीं पढ़ाई। कौन सी वर्ग पहेली नहीं पढ़ाई? मैम वर्ग पहेली के बारे में पूछ रहा है वो। मैम जो आपने वो टूल है ना वो। अनुष क्या करते हो तुम? एक्सप्लेन कर रहे थे तब आप कहाँ थे मुझे बताइए, लेट ज्वाइन किया क्या? यस मैम। बेटा वर्ग पहेली में ना क्रॉसवर्ड। मैम क्रॉसवर्ड पजल्स ना? हाँ क्रॉसवर्ड पजल्स है। ओके मैम। ओके चलिए, इस वाक्य में पता चलता है कि कवि विद्यापति ने मैथिल भाषा के अपने साहित्य में विशेष स्थान दिया है। मैथिल पूरब की बोलियों में सर्वाधिक प्रचलित साहित्यिक भाषा रही है, इसलिए कवि विद्यापति को मैथिल और कोकिल कहा गया है। उनके लिखित गीत पूर्वी भारत के लोकगीतों के रूप में अधिक गाए जाते हैं। भारत के अन्य राज्यों या प्रदेशों में देखा जाए तो इसी प्रकार लोकगीतों की रचना करने वाले, मैंने कहा ना रचनाकार, विद्यापति मतलब रचनाकार करने वाले अपने अपने विद्यापति मौजूद हैं, जैसे अलहा, कजरी, बिरहा, कब्बाली आदि रचते हैं, गाते रहते हैं। मैंने रचनाकार अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग बोलियों के अलग अलग रचनाकार रहे हैं। यहाँ पर पूर्वी में मैथिल और कोकिल विद्यापति हैं। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव और कबीलों में गाए जाते हैं? शहरों के किन कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। इसमें बताया जा रहा है कि आमतौर पर लोकगीत गांव और कबीलों में ही अधिक सुनने को मिलते हैं। शहरों में जब गांव के लोगों का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो जरूर सुनने को मिल जाते हैं, अथवा कुछ शौकीन लोग इन गीतों के रिकॉर्ड किए गए सीडी या ऑनलाइन सुनने के लिए आनंद लेते हैं। या कभी कबीलाई बंजारे जब शहर की तरफ भीख मांगते हुए आते हैं या कमाई के जरिए कुछ और ना होने के कारण वे अपने लोकगीत और लोक नृत्य से ही जीविका का साधन बना लेते हैं। इस प्रकार हम शहरों में भी कभी कभी लोकगीतों और लोक नृत्यों को सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा इन्होंने नहीं की। जैसे लोकगीत, जैसे भांगड़ा, क्या जब कबीले आए आते हैं नृत्य सुनाते तभी सुनते हैं? गरबा राजस्थानी नृत्य। आज के समय में, वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अलग अलग जगहों के अलग अलग नृत्य हैं, केवल इसलिए नहीं फेमस होते हैं कि केवल जब वो लोग वहां के पर्टिकुलर लोग आके करेंगे। आज हमारे यहाँ विवाह उत्सव है या कोई उत्सव है तो हम लोग भांगड़ा भी करते हैं, है ना? हम लोग बोलियों के आधार पर उनका कौन सा वो होता है,
महिलाओं के द्वारा गाए और नृत्य करते हुए गाते हैं, उनके बोलियां गाते हुए, क्या है मुझे भी अभी एकदम से वो आएगा दिमाग में, है ना, बहुत सारे नृत्य हैं, गीत हैं, उनके माध्यम से हम वो करते हैं। आज वर्तमान समय में केवल यही नहीं है कि वो लोग आएंगे या सुनाएंगे या जो शौकीन लोग होंगे वही सुनेंगे, आज हम विभिन्न राज्यों के लोक गीतों और लोक नृत्यों को हम अपने जीवन में शामिल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद उठा सकता है? वे कौन से लोग हैं, लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताऊं, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि दरअसल लोकगीत लोगों के आम जीवन और उन्मुक्तता मानी स्वतंत्रता का प्रतीक है, कोई बंधन नहीं है। जहां पर विदेशिया गीत की बात है वो गीत रसिक प्रेमियों तथा प्रदेश में रहने वालों की बात करता है, माने जो लोग अपनों से दूर रहते हैं उनकी याद में गाते हैं। इसमें प्रेम, मिलन, ब्रह माने दूर होना, करुणा, दुख का भाव बसा हुआ है। यह विशेषकर बिहार और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में के भोजपुरी भाषी लोग का पसंदीदा गीत है। ये लोग प्रदेश में रहकर अथवा अपने ऐसे प्रिय को जो प्रदेश में रह रहा है उनको याद करके इन गीतों का आनंद प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए, लोक गीत, लोक शब्द कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से बाकी भी बनाओ, जैसे लोकतंत्र, लोकमंच, लोकहित, लोकप्रिय और लोकमत। लोकतंत्र ये सब है। अभी आप लोगों से मैं पूछूंगी और लोक शब्द लगा कर कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। बारह मासा गीत में साल भर के 12 महीनों के गीतों का महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि क्या इनका अर्थ और वो अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से भी जोड़कर लिख सकते हो, जैसे एक तारा, एक तारा, एक तारा, तो ये क्या है, एक तारा एक वाद्य यंत्र है जिसमें एक तार होता है, इसलिए इसका नाम एक तारा हुआ, अंक है इसमें। सरपंच, पांच का मैम, जो गांव में जो पंच होते हैं उनका प्रमुख, हाँ प्रमुख जो होता है, सरपंच क्या होता है, जो गांव के पंच होते हैं उनका प्रमुख होता है। पंच मतलब होता है पांच लोग, यहाँ पंच पांच लोगों से संबंधित है, मानी संख्या यहाँ पर है। चार पाई माने चार पैरों वाली, अब चार पाई यहाँ चार पैरों वाली को हम मतलब यहाँ क्या है, चार पाई तो है, अब हम इसमें बहुत सारे चीजों को हम चार पाई बोल सकते हैं, जो चार पैरों वाले हैं सब चार पाई है क्या, नहीं, ये ऋण हो गया, इसे योग ऋण कहते हैं, माने दो शब्दों से मिलकर तो बना लेकिन किसी एक विशेष अर्थ के लिए फिर पलंग के लिए हम यूज करते हैं इसको। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का, या पचासवें से या आठ आने। किराया, जहां पर तीन रास्ते मिलते हैं। दोपहर, दोपहर जब दिन के दोपहर मिलते हैं। छमाई, छह महीनों में होने वाला। नवरात्र, नौ रातों का समूह। चौराहा, चार आनों का समूह। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर कारक चिन्ह जो आपको भरने हैं। मंजरी जोशी की एक पुस्तक है भारतीय संगीत की परंपरा, भारत के लोक वाद्य यंत्रों का यहाँ वर्णन दिया गया है। अब बढ़ना है, अब आपको शुरू करना है, आपको बोलना है। ओके, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है, यह देखने में, हाँ देखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के
विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना से बना यह वाद्य यंत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा सकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूक मारने पर एक छोटी सी नली अलग हो से सॉरी मैम एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वर्गू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी। मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल में नारसिंघा के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में से काकड़ सिंघी भी कहते हैं। अच्छा नीचे दिया भी तो है, मैंने देखा ही नहीं इसका। चलिए अब देखें, प्रैक्टिस हो गई ना। ओके हाँ। भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और लोक नृत्य बताओ, तो ये हम करेंगे है ना, ये एक्सरसाइज हम करेंगे ठीक है। चलिए अभी इसमें लास्ट एक क्वेश्चन क्विज है। चलिए लोकगीतों की रचना में किसका योगदान है, विशेष योगदान है? स्त्रियों का। स्त्रियों का ओके सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 सालों का समूह कहलाता है? शताब्दी ओके। थर्ड है, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है? मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्वेश्चन नंबर 4, किस गीत में परदेशी प्रेमी और रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है? गरबा, विदेशिया, 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 विदेशिया। ओके गुड। लेसन, लोक शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? मधुरता, क्षेत्र की विविधता, लय, सुरताल, लोच, ताजगी और लोकप्रियता। चलिए नेक्स्ट, गिद्दा। हाँ मैं जो नाम भूल गई थी कि महिलाएं उन बोलियों पर करती हैं वो गिद्दा होता है। हाँ बोलिए मैम। गिद्दा पंजाब में होता है। हाँ यही पंजाब, पंजाब में भांगड़ा होता है। स्त्रियां बोलियां बोलती हैं और अपनी तालियां बजाती हैं बोलियों के साथ में, ये नृत्य करती हैं गिद्दा। मैं ये भूल गई थी सॉरी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर देखिए आ गया। चलिए पंजाब का लोक गीत क्या है? कजरी, मैया, माहिया। ओके ढोला मारू क्या है? नाटक, नृत्य, संगीत, लोक गीत। लोकगीत है सावन का, राजस्थान का ढोला मारू है। चलिए लोकगीत की भाषा होती है आम बोलचाल, संस्कृत निष्ठ, अन्नगण, आम बोलचाल, आम बोलचाल। चलिए सही है। अब आपका आया फूक मारने, एक छोटी नली अलग जोड़ी जाती है, रिक्त स्थान में कौन सा है? पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है फूक मारने के लिए है ना, ठीक है ये वाला पर से ये उत्तर सही नहीं है। फूक मारने के को फूक मारने को अलग से ना, ये है सही।
फूंक मारने के लिए एक नली अलग से जोड़ी जाती है। सही, ये भी उत्तर गलत है। फूंक मार, ये देख मैडम क्या हुआ इसका, फूंक मारने को ये कली से जोड़ी जाती है, ये भी फूंक मारने की। अच्छा चलिए ठीक है, ये की देखते हैं, सबमिट करते हैं। ये सही उत्तर है, फूंक मारने की एक नली अलग से जोड़ी जाती है। चलिए ये आपका हो गया, पूरे 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसको स्टॉप करते हैं, समय भी हो गया हमारा। अभी हम इस पर वो देंगे आप लोगों को, क्या बहुत सारा काम, पहले पहले हमारे